साइड वाले को बुलाइए ना। भारत माता की जय। 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 भारत माता की वंदे। भारत माता की वंदे। वंदे इतना महत्वपूर्ण है कि आज हमने सांस लेना बड़ा दूभर हो गया है। अगर हम हमारी ऑक्सीजन ही ठीक नहीं होगी तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। इस विषय के ऊपर आज एक हमारी साइकिल रैली है, उसको अभी चलेंगे बड़े प्यार से हैं, और थोड़े बहुत नारे भी लगाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अपने एक दूसरे का ध्यान रखो, छोटे भाई हमारे साथ बहने हैं छोटी छोटी, उनको साथ ले करके उनका उत्साह बढ़ाते हुए धीरे धीरे हमें साइकिलिंग करनी है। और कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना कि रोड के ऊपर कोई हमारा एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। हम दे रहे हैं की चलना है, ठीक है। 2.5-3 किलोमीटर का सफर है और अपना पैसेंजरों का ध्यान रखना, ठीक है ना। डिपार्टमेंट के इधर है इंडियन ऑयल की, तो अच्छा लगता है। सर एक बस पीछे भी चलेगी आगे भी चलेगी। वंदे। चलो मैडम कर दो। चलो भाई सब लोग पीछे आ जाओ। माता की अंदर अंदर आज माता की मुंडारी बोलने में दे रहा चलो भाई वहाँ पे प्रोग्राम है खासकर डीसी मॉडल स्कूल में एक अवेयरनेस के तौर पे आप लोग जो प्रोग्राम किया क्या होने। एक्चुअली हर साल हम लोग ये पूरा महीना मनाते हैं सक्षम इसको बोलते हैं, उसके अंदर हम लोग ना फ्यूल बचाने से संबंधित प्रोग्राम करते हैं। उसी के अंतर्गत आज साइकिल दिवस था, साइकिल डे था पूरे ऑल ओवर इंडिया, करीब 200 सिटीज़ में इस टाइप का आयोजन हुआ है जहाँ पे लोग साइकिल लेके निकले हैं।
मैसेज सबने ये दिया है कि अगर हम महीने में एक दिन भी साइकिल चलाएं तो हम काफ़ी ईंधन को बचा सकते हैं। यही संदेश लेके हम भारत पेट्रोलियम यहाँ पर आया और पीसीआरएस हमारे साथ ही हैं, ये इनके डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे ऑयल कंपनीज ये फंक्शन किया है। जिस तरीके से आपने बताया हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो मुहिम है, जो खासकर यहाँ पे ये ऐसा मुहिम को ऐसे टाइम पे स्टार्टिंग करने का पर्पज है, या जबकि पहले भी हो सकता था, या फिर आगे में क्या आप लोगों का ऐसा कुछ रहेगा लोग उससे आगे? देखिए, ये सारा प्रोग्राम भारत पेट्रोलियम की तरफ से नहीं, ऑयल इंडस्ट्री की तरफ से किया गया और इसका पर्पज मेन ये है कि जो हमारे संसाधन है ईंधन के वो लिमिटेड है, तो उनको अगर हम जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं उसको अगर करते रहें या वेस्ट कहेंगे वेस्ट करते रहें तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो पर्पस ये है, सरकार का ये उद्देश्य है कि उनको हम बचा के रखें और किफायत से उनका इस्तेमाल करें। लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि आज आम जनता के बीच में एक एडमिनिस्ट्रेटिव आके लोगों के बीच में इंटरेक्ट हुआ है, उनकी रहन सहन खासकर देखा जाए, उनका जो सामाजिक चीज़ें हैं वो चीज़ें देखने को मिला आपको, तो क्या कुछ डिफरेंट दिखा है? हाँ, इसलिए लोगों में आज काफ़ी जोश देखने को मिला और जिस तरीके से आपने नारेबाजी देखा होगा ईंधन को बचाना है, और जिस तरीके से बच्चों ने जो पोस्टर बनाए हैं उनका बहुत ही अच्छे पोस्टर बनाए हैं और संदेश दिया है पब्लिक को कि भाई आप ईंधन को बचाएं, और पर्पज़ भी यही था कि सब लोग कम से कम एक दिन साइकिल चलाएं अपने दूसरे वाहन को छोड़ के, मोटरसाइकिल या कार को छोड़ के, तो उसमें ईंधन भी बचेगा और हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे क्योंकि हमारी एक्टिविटी बढ़ेगी तो वैसे भी स्वस्थ रहेंगे। सीआरए का जो फॉर्म है ये पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है और इसका मेन मोटो है पूरे कंट्री में कंजर्वेशन का अवेयरनेस फैलाना, हर लेवल पे बच्चों में, किसानों में, ड्राइवर्स में, इंडस्ट्रीज में। तो ये जो सक्षम ये जो महीना चल रहा है ये हर साल ये पिछले चार साल से चला रहे हैं, जो 16 जनवरी से 15 फरवरी तक पूरे देश में चल रहे हैं। इसका मकसद होता है लोगों में जागरूकता फैलाना कि कैसे वो जो ईंधन हमारा जो भारत में काफ़ी कम है, जो हम बाहर से मैक्सिमम आयात करते हैं और हमारा काफ़ी सारा जो विदेशी मुद्रा है उसमें खर्च होता है, एक तो वो बचत हो, दूसरा जैसे ये साइकिल डे आज मनाया हम, लोगों में ये बात जाए कि अगर आप एक दिन साइकिल चलाएंगे तो आप पर्यावरण को भी बचा के रखेंगे और साइकिल चलाने से हेल्थ में जो इम्प्रूवमेंट होता है वो तो साथ में ही है। बच्चों को हम इसलिए इन्वॉल्व करते हैं कि वो ये आदत शुरू से उनमें लग जाए, तो आगे अपने बड़ों को भी बताएं और खुद से जो आदत बनी रहेगी तो आगे लेके चले। तो हमें फ्यूल बचाना चाहिए, और अगर हम लोग कहीं पास की जगह में जाते हैं, बहुत लोग साइकिल स्कूटी लेकर जाते हैं, कार लेकर जाते हैं, पर अगर हम कहीं पास की जगह पर जाएं हमें साइकिल लेकर जाना चाहिए। लोगों से क्या आप मैसेज दोगे, क्या कहोगे? अगर आपको कहीं भी पास की जगह में जाना है तो आप साइकिल लेकर जाए जिससे हमारे देश में फ्यूल बचे। पवन जी, आज ये DC मॉडल स्कूल सेक्टर 9 में आओ साइकिल चलाएं कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बताएंगे क्या कार्यक्रम है? ये ऑल कॉरपोरेशन हर साल इस रैली को कराते हैं और स्कूल की सिलेक्शन का मेन कारण होता है कि बच्चों में इसकी ज़्यादा अवेयरनेस रहे, और जैसा आप पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि फिट इंडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर का नारा है, और उस फिट इंडिया के लिए एक साइकिलिंग, जैसे जापान ने प्रूफ किया है कि अगर लोग कार को छोड़कर, व्हीकल को छोड़कर साइकिल पर आते हैं तो इसके बाद कुछ और फिट इंडिया के लिए हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो उस पॉइंट से आज आपने देखा है कि स्कूल के बच्चों में, समाज में, पेरेंट्स में कितना जोश है, और ऐसा महसूस होने लगा है कि आने वाले समय में हम लोग एक स्वच्छ भारत को देख पाएंगे। जी, DC मॉडल स्कूल इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हमेशा ही करता है और देश और स्टेट के लिए, भलाई के लिए कार्यक्रम करता रहता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पूरे समाज का, सरकार का और मीडिया, आप जैसे सब लोगों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हम पर आशीर्वाद रखते हैं और हमें मौका देते हैं, और परमात्मा ने भी हमें यही आदेश दिया है कि समाज के लिए जितना भी हो सके योगदान दें, तो मैं इतना योगदान नहीं देता जितना समाज मेरी को साधन और मौका देता है।